हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़े थे कि कैसे किसी सर्किट को हम लोग पार्ट ऑफ सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग उसी पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना बेसिक सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ठीक है, 5 एम्पियर का करेंट जा रहा है, इधर 2 एम्पियर करेंट जा रहा है। ठीक, और हम लोग का निकालना है VA माइनस BC। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता था, क्या निकालते थे, देखते थे कि हर ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्या करंट है कि नहीं। ठीक, तो देखो यहाँ से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर 2 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे। तो KCL लगाएंगे तो क्या होगा, मान लो इधर से I करंट जाएगा, तो 5 इक्वल टू जाने वाला करंट 2 प्लस I, तो I कितना हो गया, 5 माइनस 2, 3 एम्पियर हो गया। ठीक है, इसका मतलब आगे कितना हो गया, 3 एम्पियर। ठीक, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, करंट निकालते थे। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें साइन देखते हैं। साइन देखने से पहले और देखो, अब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के लिए हम क्या बताते हैं कि अगर किसी पार्ट में करंट सेम है, ठीक है, तो हम लोग सारे रेसिस्टेंस को एक जगह रख सकते हैं। ठीक, और सारे बैटरी को एक बैटरी में बदल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ाते हैं। अब देखो गाइस, यह 5 एम्पीयर करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे, डी नाम दे दो, दिस पॉइंट टू बी डी, तो ए से डी के बीच 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इस दोनों से भी 5 एम्पीयर फ्लो करेगा, 4 से भी 5 एम्पीयर फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। अब हम बताए थे रिडक्शन में क्या बताते हैं कि यह दोनों क्या सेम करंट है, तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बदले कहीं भी लगा दें, इधर लगा चाहे बैटरी के इधर, एक 6 ओम का रेसिस्टर लगा देते हैं, कहीं भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना का, 6 ओम का। ठीक, सिंपली, और करंट अभी भी कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। ठीक है, और देखते हैं और कहीं रिड्यूस हो सकता है, नहीं, सब में एक बैटरी एक रेसिस्टेंस, एटलीस्ट एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अब देखो, अब क्या करते हैं, साइन मार्क कर देते हैं। तो साइन कौन बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन के अनुसार हम लोग साइन मार्क करेंगे, प्लस माइनस, बैटरी के पास तो अपना माइनस प्लस होता है, फिर इधर चलेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो हम लोग को ए से बी निकालना है, मतलब हम लोग ऐसे मूव करेंगे यहाँ तक। ठीक, तो चलो लिखते हैं इक्वेशन, KVL इक्वेशन। ठीक, पहले चले तो आई इंटू आर का ड्रॉप मिला, तो माइनस 6 × 5, फिर देखो 10 वोल्ट का राइज मिला, पहले लिख देंगे VA, VA माइनस VA, चले यहाँ से माइनस 5 × 6 का ड्रॉप मिला, फिर राइज मिला, फिर अब हमको इधर मुड़ना है, तो देखो प्लस से माइनस चले, ठीक, 2 एम्पियर करेंट है, 1 ओम का रेसिस्टेंस है, तो माइनस 2 × 1 का ड्रॉप मिला, फिर राइज मिला प्लस 4 वोल्ट का, और कहाँ पहुँच गए, बी के पास पहुँच गए। तो देखो क्या हो जाएगा, VA माइनस 36 10 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू VB। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 22। तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 वोल्ट। ठीक है, ठीक। सो गाइस, इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर बी और सी ट्राई कीजिएगा। ठीक, VB माइनस VC निकालिएगा। ठीक, ये आप लोग के लिए वर्क रहा। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक बैटरी है 2 वोल्ट का। ठीक है, यह पॉइंट V1 है यहाँ का पोटेंशियल। ठीक, फिर यहाँ पर एक बैटरी है 1 वोल्ट का, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट दे रखा है। ठीक, फिर यहाँ पर E वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, फिर यहाँ पर देखो 4 वोल्ट का बैटरी है, यह पॉइंट V2 है पोटेंशियल, फिर यहाँ पर देखो 5 वोल्ट का बैटरी है, और यह पॉइंट 10 वोल्ट है। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई पहला, दूसरा V1 एंड V2। ठीक, हम लोग को ये 3 चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो भाई,
तो सबसे पहले हम लोग को ये निकालना है, देखो पहले साइन मार्क कर देते हैं, क्योंकि बैटरी के पास अपना साइन होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आई होप ये सबको आता होगा, छोटा साइन वाला माइनस, बड़ा साइन वाला प्लस, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग ई निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं ऐसे है, यहाँ से ऐसे चलते हैं तो बीच में ई आ रहा है, मतलब निकल जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इक्वेशन, पहले क्या है, 10 वोल्ट है, पॉजिटिव है, तो हम लिखना सिखा दें कि यहाँ पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो 10 वोल्ट, फिर चलो 5 वोल्ट का राइज हो गया, 10 ही लिखते हैं, फिर 5, उसके बाद फिर ई का राइज हो गया, उसके बाद फिर 1 वोल्ट का राइज हो गया, उसके बाद कहाँ पहुँचे, 0 के पास। तो ई बराबर क्या आ गया, यहाँ से देखो ई बराबर कितना आ गया, माइनस 16 वोल्ट, ठीक है। ये सॉल्व कर ले, ई बराबर माइनस 16 वोल्ट, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को V2 निकालना है, तो अगर हम लोग इस लूप में यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग KVL लगाएं तो निकल जाएगा V2। तो देखो गाइस, V2 पहले क्या मिला, V2 यहाँ से यहाँ ऐसे चलेंगे, ठीक, V2, ठीक। इसमें करेंट की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सारा बैटरी है, ठीक है, ध्यान दें, इसमें इसके पास खुद का अपना पोलैरिटी होता है, इसलिए हम लोग करेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं, ठीक। V2, उसके बाद माइनस से प्लस के तरफ राइज मिला, तो प्लस 4 वोल्ट, उसके बाद फिर देखो माइनस ड्रॉप मिला 5 वोल्ट का, उसके बाद फिर पहुँचे तो कहाँ, 10 वोल्ट पे पहुँचे, ठीक। तो देखो V2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1, इधर जाके प्लस 1, 11 वोल्ट हो जाएगा, ये हो गया V2 का आंसर, ठीक। अब चलो V1 निकालते हैं, तो ऐसे हम लोग मूव कर लेते हैं, यानी यहाँ से ऐसे 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 मूव कर लेते हैं, ठीक है। नहीं देखो 0 वोल्ट, ठीक, उसके बाद क्या, माइनस का ड्रॉप मिला 1 वोल्ट का, माइनस 1, उसके बाद क्या, फिर इधर से चले तो 2 वोल्ट का राइज मिला, और पहुँचे कहाँ, V1 के पास, ठीक। तो V1 बराबर कितना हो गया, 1 वोल्ट, ठीक है, ठीक। तो इस तरह बेसिक क्वेश्चन है, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ, बैटरी के तरफ, ठीक है। सो स्टार्ट कर, तो देखते हैं कि बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स का बना होता है, ठीक है। बैटरी के बारे में हम थोड़ा EMF के बारे में पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है, उसको हम लिंक में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो देखो गाइस, बैटरी में क्या होता है, एक छोटा चिन्ह होता है, एक बड़ा चिन्ह, बैटरी छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, ठीक है। अगर हम एक बेसिक सर्किट की बात करें, आइडियल बैटरी की बात करें, आइडियल कंडीशन, कौन सा कंडीशन वो बोल रहे हैं, आइडियल, ठीक, आइडियल कंडीशन की बात करें, तो बैटरी में होता है बेसिकली क्या करता है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करते हैं, यह कंसेप्शन रॉन्ग है कि बैटरी क्या है, चार्ज और करंट सप्लाई करता है, बैटरी बेसिकली क्या करता है, चार्ज को एनर्जी देता है, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई चार्ज आ रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट डेवलप होगा, तो चार्ज आया, ठीक, और यहाँ पर इंटर किया, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बराबर जानते हैं, पी बराबर होता है क्यू डेल्टा वी, ठीक, क्यू वी, ठीक है, क्यू इंटू वी लिख दो पोटेंशियल। तो अगर कोई चार्ज आया तो यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ, 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, यानी क्यू इंटू वी हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब बाहर निकलेगा तो कुछ एनर्जी के साथ निकलेगा और फिर यह करंट फ्लो करने लगा। तो बैटरी क्या सप्लाई करता है, बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू द चार्ज, बैटरी क्या देता है, बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू द चार्ज, ठीक। अब एक एग्जांपल समझो कि अगर यह चार्ज यहाँ से आया है तो 5 जूल का एनर्जी मिला, ठीक, तो क्या बाहर 5 जूल ही लेकर निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 जूल एनर्जी बैटरी दिया तो बाहर हो सकता है 4 जूल निकले, 3 जूल निकले, ठीक है, कुछ कम निकलता है, तो 1 जूल कहा गया, तो वह 1 जूल का जो एनर्जी होता है वो लॉस हो जाता है रेसिस्टर में। तो जो रियल प्रैक्टिकल सर्किट जो होता है, प्रैक्टिकल सर्किट होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल हम लोग सर्किट की बात करें बैटरी की, तो वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें कुछ रेसिस्टेंस होता है, यानी प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ रेसिस्टेंस होता है बैटरी में, ठीक है, कुछ रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, यह एक बैटरी कहलाता है, ठीक है, यह एक बैटरी, ठीक, यह इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल सर्किट ये होता है, यानी अगर 20 जूल एनर्जी है बैटरी, जब चार्ज मूव किया जी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ, 20 जूल का एनर्जी गेन हुआ, तो जब चार्ज बाहर निकलेगा बैटरी से तो उसके बाद हो सकता है 15 जूल एनर्जी हो, तो 5 जूल लॉस कहाँ हो गया, तो 5 जूल यह रेसिस्टेंस खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सर्किट होता है, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब ऑल्दो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, अगर यह प्रैक्टिकल सर्किट है, ठीक,
अगर यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक, तो जो वी ए बी होगा, वी ए बी, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। अब यह डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे, ठीक है, करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है। ई हो गया ईएमएफ, इसको बोलते हैं ईएमएफ, आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज आएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, करता है तीन सिचुएशन पे, कि बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है या कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक। तो तीन केस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बातें जो बैटरी में होता है। इन बैटरी करेंट फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक। क्या लिखा है, इन बैटरी करेंट फ्लो फ्रॉम एलपी टू एचपी, ठीक। बैटरी में किधर से किधर करंट फ्लो करता है, लोअर से हायर की तरफ। बट इन आउटसाइड इन द एक्सटर्नल सर्किट बट इन एक्सटर्नल सर्किट इन एक्सटर्नल सर्किट इट फ्लो फ्रॉम एचपी टू एलपी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब कि बाहर सर्किट में, अगर यहाँ पर एक सर्किट हो गया, ठीक है, देखो तो करंट ऐसे फ्लो करेगा नहीं, ये रहा एचपी और ये रहा एलपी, तो करंट ऐसे आएगा, ठीक, हायर से लोअर की तरफ। बट अंदर देखो लोअर टू हायर, ठीक, यानी बैटरी में लोअर टू हायर होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल सर्किट में हायर टू लोअर होता है, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कंसेप्ट देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, उसके बाद हम लोग बेसिक सर्किट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी शॉर्ट में लिख देते हैं, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी लिख देते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सी बैटरी के जो टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल होता है, सपोज करिए बैटरी है तो इसके टर्मिनल का अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। यह डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन में क्या होगा, तीन तरह का सर्किट हो सकता है, ठीक है। एक को बोलेंगे चार्जिंग सर्किट, एक को डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक, एक नो करंट चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग ऑफ बैटरी, क्या बोलेंगे, चार्जिंग ऑफ बैटरी, कि बैटरी जब चार्ज हो रहा है, ठीक। दूसरा डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, और तीसरा जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तीसरा नो करंट फ्लो। तो देखो भाई, चार्जिंग ऑफ बैटरी में क्या होगा, यह बैटरी है और यह इंटरनल असिस्टेंस है, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, मतलब चार्जिंग का काम कहने का मतलब होगा कि करंट जो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर इंटर करेगा और निगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा, ठीक है। ये हो गया चार्जिंग का। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिस्चार्जिंग का कहने का मतलब क्या, बैटरी जो है सप्लाई कर रहा होगा, डिलीवर कर रहा होगा एनर्जी को, ठीक, तो ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। ये दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा होगा, ठीक है, ठीक। यह हो गया डिस्चार्जिंग का, ठीक। और देखो नो करंट फ्लो करने का मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, इस केस में, ठीक, ठीक है। अब देखते हैं एक एक केस करके हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब नो करंट फ्लो करेगा उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहीं पर देख लेते हैं, सिंपल है, चलो इसको अलग सॉल्व करते हैं, ठीक। चार्जिंग का केस एक एक केस करके सॉल्व करते हैं, चार्जिंग ऑफ द बैटरी,
चार्जिंग ऑफ द बैटरी ऑफ बैटरी। इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्जिंग मतलब करेंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, ठीक, EMF है, नेगेटिव टर्मिनल पे लीव कर रहा है। तो इस केस में हम लोग VA माइनस VB या पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB VAB या इसी को बोलेंगे VA माइनस VB, यह हो गया TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो गाइस कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल कंसेप्ट। क्या करेंगे, करंट जा रहा है तो बैटरी के पास खुद का तो चिन्ह होता है प्लस माइनस का, लेकिन रेसिस्टेंस के पास तो होता नहीं है। अब लगा देंगे, अब यहाँ से यहाँ तक चलना तो सिखा दिए हैं कैसे चलना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, VA पॉजिटिव है तो पॉजिटिव VA, उसके बाद ड्रॉप आया माइनस सी का, उसके बाद माइनस ड्रॉप आया आई इंटू आर का, उसके बाद वी बी मिला रास्ते में। तो यहाँ से क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर, ठीक। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टी पी डी, ठीक है, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो गाइज इस केस में क्या हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल चार्जिंग केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ईएमएफ से ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो हम लोग एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, ठीक, चलो 12 वोल्ट ले लेते हैं, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। अब क्या होगा, मान लो 1 एम्पियर से चार्ज करवा रहे हैं, ठीक है, 1 एम्पियर से चार्ज करा रहे हैं। चार्ज करने का जैसे ही मतलब हो गया, क्वेश्चन में दे दिया चार्ज हो रहा है, ठीक है, बैटरी चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है और नेगेटिव पे लीव कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है। अब हम लोग इस केस में ए और बी निकालते हैं। देखो ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट। अब क्या करते हैं, सेम अप्लाई करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं चार्जिंग का केस है प्लस माइनस, ठीक। तो लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे, वी ए बी यही टीपीडी हुआ, टीपीडी, और ये कितना हो जाएगा, ई प्लस आई आर। ई कितना है, 12 प्लस आई कितना है, 1 × 1 यानी 13 वोल्ट, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 13 वोल्ट आ गया। इसका मतलब क्या सीखें कि बैटरी जब चार्ज हो रहा होता है तो वोल्टेज जो होता है टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये होता है चार्जिंग के केस में, ठीक। अब डिस्चार्जिंग का केस देखते हैं, ठीक है। डिस्चार्जिंग का केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है, जैसे ही पता चला कि डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी एनर्जी को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यानी क्या सर्किट बन जाएगा, हम लोग प्रैक्टिकल सर्किट की बात करते हैं, आइडियल की बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा ई एम एफ ई रेसिस्टेंस आर। अब इस बार करंट ये हो गया, अब हम लोग को मोटर निकालना है वी ए माइनस वी बी, चलो साइन दे देते हैं। करंट पॉजिटिव नेगेटिव तो इसके पास होता है खुद का, बैटरी के पास इसके पास होता नहीं है, तो कैसे देंगे, तो यह करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। हम देखो ऐसे आओ ऐसे इंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब जैसे भी मर्जी वैसे चलो, हम लोग को वी ए माइनस वी बी निकाला तो ऐसे ही चलेंगे हम मिला के, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से चले तो वी ए, फिर माइनस ई का ड्रॉप आया, फिर आई आर का राइज आया, देखो माइनस से प्लस चले तो आई आर का राइज पहुँच के आ गया वी बी के पास, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर, कितना हो गया, ई माइनस आई आर, और यही होता है हमारा टी पी डी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में देखो गाइस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ घट रहा है, मतलब क्या होगा, डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कम होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक बैटरी है 12 वोल्ट का, वही क्वेश्चन, 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक, 12 वोल्ट का बैटरी। अब इस बार डिस्चार्ज हो रहा है, 1 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। हम लोग को वी ए बी निकालना है। देखो करंट का डायरेक्शन जैसे ही पता चल जाएगा कि प्लस से निकल रहा है, माइनस प्लस से रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये सर्किट कैसा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग वी ए बी लिखे, वी ए माइनस वी बी, यही मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक। यह कितना होगा, देखो तो क्या हो जाएगा, 12 ई माइनस आई आर होता है, ई माइनस आई आर, तो ई कितना है, 12 माइनस आई कितना है, 1 × यहाँ पर 1 होगा, एम्पियर होगा, 1 × 1 यानी 11 वोल्ट, ठीक है। देखो भाई इस केस में क्या हुआ, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया क्या हुआ, ईएमएफ से कुछ कम आया, ठीक है। तो यह बात याद रखना है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, होता है तो उसके अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। अब चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ईएमएफ चेंज करता है, नहीं, ईएमएफ अभी भी मेरा 12 वोल्ट है, ठीक है, ईएमएफ चेंज नहीं करता, चेंज क्या कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
उसका करंट सप्लाई करने का कैपेसिटी धीरे धीरे डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नो चार्जिंग का केस। नो चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग यानी करंट क्या हो जब जीरो हो सर्किट में। ठीक है, नो करंट फ्लो थ्रू द, नो करंट कौन सा केस है, नो करंट कोई करंट नहीं है। ठीक, मतलब इस बार बैटरी है, रेसिस्टेंस है, अब ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, तो आई कितना हो गया जीरो। ठीक है, आई कितना हो गया जीरो। ठीक, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा नहीं होगा, जब करेंट ही नहीं है तो आई इंटू आर ड्रॉप होगा ही नहीं। तो अगर वी ए माइनस वी बी निकाले, वी ए माइनस वी बी तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह ई होता है। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग बेसिक सर्किट थ्योरी स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम लोग छोटा छोटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सर्किट थ्योरी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना का सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में क्या होता है, एक कंप्लीट सर्किट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी। ठीक, अब देखो जैसे एक सिंपल बेसिक सर्किट, सबसे पहला बेसिक सर्किट, बेसिक सर्किट, बेसिक सर्किट में क्या होगा, बेसिक सर्किट में क्या होगा, एक बैटरी होगा, एक इंटरनल असिस्टेंस होगा और एक एक्सटर्नल असिस्टेंस होगा। ठीक, तो लेट्स कनेक्ट करते हैं। मान लो यह एक्सटर्नल असिस्टेंस है आर। ठीक, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका ईएमएफ ई है, इसी इंटरनल असिस्टेंस आर है। तो हम लोग को मोटा इसमें करंट कितना होगा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा ए बी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग केवीएल लगाते हैं। ठीक है, बाद में हम बताएंगे सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन बाद में सिखाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग केवीएल लगाते हैं। ठीक है, यह करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। अब इस लूप में केवीएल लगा दो, क्या करेंगे, केवीएल, केवीएल लगाएंगे, केवीएल। ठीक है, केवीएल लगाएंगे। ठीक है, अब देखो केवीएल इक्वेशन कहीं से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से मान लो यहाँ से ऐसे चले तो माइनस आई आर का ड्रॉप आया, फिर यहाँ चले तो माइनस आई आर का ड्रॉप आया, फिर देखो इसके पास माइनस और प्लस खुद का होता है तो प्लस ई का राइज आएगा और यह क्या होगा जीरो का गया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई बराबर कितना आएगा, ई बाई आर प्लस आर, यह करेंट हो गया। ठीक, अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, ठीक, एक्सटर्नल सर्किट में तो भी क्या होगा, यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी, बेसिकली हम लोग क्या है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर एक्सटर्नल रेसिस्टर निकालना है। तो अगर वी ए बी लिखना चाहे, वी ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, इसके थ्रू करंट इंटू आर यानी आई इंटू आर, और आई का वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, वी ए बी। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा वी ए बी। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो गाइस इस केस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल सर्किट में यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। ठीक, अब चलो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बच्चा टाइप क्वेश्चन। 10 वोल्ट 5 ओम, फटाफट निकालो आई क्या होगा, बच जाए फटाफट। आई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, आई बराबर क्या जानते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, सॉरी आर, डेल्टा वी बाई पोटेंशियल अक्रॉस असिस्टेंस अपन आर। इसके अक्रॉस असिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, तो क्या लगा देंगे, 10/5, 2 एम्पियर। ये बेसिक्स है, 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीस वोल्ट एक बैटरी है, एक बैटरी यहाँ 50 वोल्ट का है। ठीक, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द करेंट आई, और यह 3 ओम का रेसिस्टेंस है। फाइंड द करेंट, फाइंड करेंट, फाइंड करेंट थ्रू 3 ओम रेसिस्टेंस।
अब देखो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का मोटो क्या, दो बैटरी है तो चलो पहले माइनस प्लस, ठीक। हम लोग को इसके क्रॉस थोड़ा असिस्ट करंट निकालना है, ठीक। देखो करंट मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, दो तीन मेथड है, ठीक है। चलो सबसे पहले केवीएल लगा लेते हैं। केवीएल लगाते हैं तो क्या है, सबसे पहले हम अपने मन से एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो कोई हम लोग सपोज कर लो, हम ऐसे डायरेक्शन मान लेते हैं, मान लेते हैं कि बाई केवीएल की मदद से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो केवीएल का फर्स्ट स्टेप क्या है, एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्टेप फर्स्ट एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम कर लेते हैं, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं मेरा करंट अभी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मार्क द साइन प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। स्टेप टू क्या रहा, मार्क द साइन, अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन के अनुसार इसमें साइन मार्क कर लेंगे। अब देखो करंट लूप में ऐसे दिया देंगे, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे जैसे ऐसे 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 फ्लो कर रहा होगा, इस लूप में पूरे लूप है, ठीक। लूप मतलब क्लोज पाथ, ठीक है। क्लोज किसी भी क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, ठीक। अब देखो मार्क करते हैं, तो ये करंट ऐसे आया, ऐसे ऐसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, बैटरी के पास तो अपना होते हैं, ठीक। अब लिखेंगे, अब राइट केवीएल इक्वेशन। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, राइट केवीएल इक्वेशन। स्टेप थर्ड इरेज कर देते हैं, आई होप ये हो गया होगा, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या है, राइट केवीएल इक्वेशन, ठीक है। क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, राइट केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो केवीएल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, यहाँ से मान लो ऐसे चले तो प्लस, हम मान लो इस पॉइंट को नाम दे दी, हम ए से चलेंगे, ए पे ही पहुँच जाएंगे, तो प्लस 20 वोल्ट का राइज हुआ, प्लस 20। उसके बाद देखो माइनस आई इंटू 3 का ड्रॉप हो गया, उसके बाद देखो फिर माइनस का ड्रॉप हो गया, इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3i इक्वल टू आएगा -30, i इक्वल टू आएगा -10 एम्पियर। डोंट वरी, आंसर में निगेटिव आ गया, इसका मतलब इफ़ द करेंट इज निगेटिव इट मीन्स आवर एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। इफ करेंट इज निगेटिव, व्हाट आई वांट टू से, इफ करेंट इज निगेटिव, करेंट कम आउट टू बी निगेटिव, ठीक है, कम आउट टू बी निगेटिव, देन इट मीन्स आवर एज्यूम डायरेक्शन एज्यूम करेंट डायरेक्शन इज रॉन्ग, जो हम लोग करेंट का डायरेक्शन माने हैं वो रॉन्ग हो गया, ठीक। तो व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल करंट डायरेक्शन इज द अपोजिट टू द एज्यूम डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, एक्चुअल करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू एज्यूम डायरेक्शन। आई होप दिख रहा होगा, एज्यूम डायरेक्शन, ठीक है। क्या लिख दिया, तो एक्चुअल जो करंट का डायरेक्शन होगा वह अपोजिट होगा एज्यूम डायरेक्शन का, ठीक है। इसका मतलब करंट एक्चुअल में ऐसे नहीं फ्लो करके कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, दिस इज द एक्चुअल करंट डायरेक्शन। यह करंट का ऐसे डायरेक्शन ना होके करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, कितना होगा 10 एम्पियर, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का केवीएल मेथड, ठीक है। कोई ऐसे भी ले सकता था तो उसका पॉजिटिव आता, ऐसे ले लिया तो निगेटिव आ गया, तो निगेटिव से घबराना नहीं है। निगेटिव से क्या मतलब क्या होगा, हम लोग जो डायरेक्शन माने हैं वह क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन आ रहा है, उस एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा हमारे जूम डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वन मेथड बाय केवीएल मेथड, ठीक है। अब देखते हैं एक सिंपल मेथड देखते हैं, पोटेंशियल राइट कर, ठीक है, पोटेंशियल मेथड, ठीक। कैसे हम लोग पोटेंशियल मेथड से हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
अब देखो इस केस में क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट खोजते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हम लोग वी फाइंड ए रेफरेंस पॉइंट और उसको जीरो पोटेंशियल मार्क करते हैं। स्टेप फर्स्ट, मेथड टू वी फाइंड स्टेप फर्स्ट फाइंड रेफरेंस पॉइंट फाइंड ए रेफरेंस पॉइंट एंड मार्क द पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, मार्क द पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। जीरो वोल्ट क्या मार्क करेंगे, मार्क द पोटेंशियल इक्वल टू जीरो वोल्ट। मतलब देखो ऐसा जगह हम पॉइंट मार्क करेंगे ताकि जहां से पोलैरिटी लिखने में क्या हो, इजी हो। तो देखो गाइस, हम लोग इस पूरे पॉइंट को, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। या तो एक ही पॉइंट होगा क्योंकि वायर है, इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। अब देखो यहाँ से चले तो प्लस 20 वोल्ट का राइज हुआ, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। यहाँ से चले जीरो, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो था, यहाँ से चले तो 50 वोल्ट का राइज हो गया। अब देखो गाइस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल लिख लिए, ठीक। यहाँ का पोटेंशियल 50 है, यहाँ का पोटेंशियल 20 है। अब रही बात कि करंट किधर से फ्लो करेगा, तो करंट हम लोग जानते हैं, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ओबियस है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक। तो मान लेते हैं करंट आई होगा। अब आई होता क्या है, तो आई सिंपली लगा देंगे, आई बराबर डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी बाई कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 अपॉन आर कितना हो जाएगा, 3, यानी 30/3 कितना आ गया, 10 एम्पीयर आ गया, ठीक। आई इक्वल टू कितना है, ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। ठीक, क्या किया, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर निकाल लिया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा होगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।